क्लीनिंग का काम भी ना। हाय, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसी हालत में क्यों। मैं सुबह से पूरी घर की क्लीनिंग में मॉम की हेल्प कर रहा था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा डेन भी इसी हालत में है। कहां से स्टार्ट करूं? टेबल से ही स्टार्ट करता हूं। ओके, यू नो व्हाट, मैं अपनी टेबल साफ करने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर बना सकता हूं। वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए हाँ, एक हेयर ड्रायर यूज कर सकता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक हेयर ड्रायर का वैक्यूम क्लीनर से क्या कनेक्शन है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब हेयर ड्रायर्स इन्वेंट नहीं हुए थे तब लोग वैक्यूम क्लीनर यूज करके अपने बाल सुखाते थे। तो आज मैं वही स्टोरी को कंप्लीट करके एक हेयर ड्रायर से वैक्यूम क्लीनर बनाता हूँ। मेरी मॉम के पास एक हेयर ड्रायर था जिसका हीटिंग एलिमेंट खराब हो गया था, एंड वो हेयर ड्रायर मेरे पास इसी डेन में कहीं पे रखा हुआ है, इन्हीं किसी कार्टन्स में था। ये रहा। ओके, तो इसे जल्दी से खोल लेते हैं। ये छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टॉय कार्स, स्टीरियोज, ट्रांजिस्टर्स, उसमें से छोटी छोटी मोटर्स निकलती हैं, स्विचेस निकलते हैं, फिर वही मोटर्स और स्विचेस लेके मैं कोई छोटी सी टॉय कार बनाता हूँ, या अगर पार्ट्स समझ नहीं आते मैं फिर वही वाले पार्ट्स को यूज कर करके कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बनाता था, जिस पीसेस जोड़ के कुछ फैंसी दिखने वाली कोई चीज। ये फैन है, इसके घूमने से हेयर ड्रायर यहाँ से हवा सक करता है एंड यहाँ पे पीछे फेंक देता है, तो हम सेम चीज को रिवर्स कर रहे हैं। इसके हवा सक करने के मोशन को हम वैक्यूम क्लीनर जैसे यूज करेंगे। यूज करने में तो ऐसे ही सही रहेगा, लेकिन देखने में ये अभी भी एक हेयर ड्रायर जैसा ही लग रहा है। इसके फॉर्म के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, लेट्स सी। हाँ, इसका हैंडल निकाल के इसमें एक अलग सा बेस लगा देते हैं। बेस के लिए ये चलेगा क्या? परफेक्ट। बेस के लिए मैं ये यूज कर सकता हूं, पर ये थोड़ा लाइट है, इसमें थोड़ा वेट ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास एडहेसिव है, ये वाला एडहेसिव यूजुअली घर पे अगर कोई लीकेज हो या किसी चीज को सॉलिडिफाई करना हो तो उसके लिए काम आता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। रेजिन और हार्डनर को इक्वल क्वांटिटीज में हम लेके उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हो ही गया, ये मिक्स करके तैयार। ओके, अब इसे हम अपने कप में फिल कर लेते हैं। ओके, अब ये हैवी हो गया, इसे सूखने में अराउंड 10 मिनट लगेंगे, उतने टाइम में हम ये हैंडल कट कर देते हैं। हैंडल कट करने के लिए मेरे पास हैक्सॉ है। You should be very careful while using this tool. अब इस पे हम बेस लगा देते हैं। बेस भी सूख गया होगा, इसे हम हेयर ड्रायर पे लगा देते हैं। एंड इसे फिक्स करने के लिए हम बेस में दो होल्स बना लेंगे एंड ड्रायर में भी दो होल्स बना लेंगे एंड उसके थ्रू स्क्रूज पास करके उसे टाइट कर लेंगे। तो ये मशीन निकाल देते हैं। गिरा, ये मशीन आ गई। वेल, सिंस इसकी हीटिंग कॉइल बेकार है एंड हमारे वैक्यूम क्लीनर में इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। वायर कटर, अब सारे हेयर ड्रायर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं,
तो जब आप हीटिंग कॉइल निकालें तो ट्राई करके खुद मत निकालिएगा, इसे एक इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाइएगा, वो एग्जैक्टली बता देगा कि हीटिंग कॉइल कैसे हटा के करंट सीधा फैन को देना है। ओके, तो अब हमारी कॉइल डिस्कनेक्ट हो चुकी है, अब हम इसमें होल बनाएंगे। होल बनाने के लिए ये पोजीशन सही है, मैं इसे मार्क कर लेता हूं। अब स्क्रू ले लेते हैं, ये साइज सही रहेगा। ओके, तो इसके लिए ड्रिल बिट सेलेक्ट करते हैं, स्क्रू की थिकनेस से थोड़ी कम थिकनेस का हम ड्रिल बिट ले लेते हैं ताकि स्क्रू टाइटली फिट हो जाए। ये हमारे दो होल्स ड्रिल हो गए। अब सेम होल्स को इसमें ड्रिल करने के लिए हम इसे बेस के ऊपर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद ब्रश से इसकी मार्किंग कर लेंगे। पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये दो मार्क्स आ गए। अब वायर इस ग्रूव के थ्रू पास होगा तो इसका भी मार्क बना लेते हैं एग्जैक्टली वहीं पे। देयर, ये ग्रूव का भी मार्क हो गया। अब होल ड्रिल करते हैं। ये पहला होल हो गया। ये हमारे दोनों होल्स तैयार हो गए। तीसरा होल हमें बड़ा करना है वायर को पास करने के लिए, तो उसके लिए बिट चेंज कर देते हैं। हमने बड़ा बिट लगा दिया। ये तीनों होल्स रेडी हो गए। अब हम वायर्स को वायर्स के होल के थ्रू पास करेंगे। इसके लिए पहले हम इन्हें यहां से कट कर लेते हैं, दूसरा भी कट कर लेते हैं यहां से। अब इन वायर्स को इसके थ्रू पास कर देता हूं एंड सेम वायर्स को साथ में लगा देता हूं, दूसरे वाले को सेम पोजीशन में। अब इस पे इलेक्ट्रिक टेप लगा देता हूं। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम इस बेस को हमारे ड्रायर के बॉडी पे लगा देते हैं। इसमें जो वायर्स का ग्रूव है उसके थ्रू वायर्स पास कर देते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। वैक्यूम क्लीनर के आगे एक पंखा लगा होता है जो एक तरफ से हवा को अपने अंदर खींच लेता है एंड दूसरी तरफ उसी हवा को फेंक देता है। अब जिस साइड से वो हवा को खींचता है वहां पे एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो वैक्यूम में लो प्रेशर होता है और आसपास की जो हवा होती है वो हाई प्रेशर पे होती है, तो वो हवा उस गैप को फिल करने के लिए उसकी तरफ भागती है। जैसे ही हवा भागती है वो कचरे को अपने साथ लेके उस स्पेस में चली जाती है। अब हवा और कचरा उस स्पेस में चला गया तो फैन उसे पीछे फेंक देता है। पीछे डस्ट बैग होता है। डस्ट बैग एक परफोरेटेड मटेरियल से बना होता है ताकि हवा उस मटेरियल के बाहर चली जाए और जो भी कचरा है वो बैग में रह जाए। अब ये बेस फिक्स हो गया। अब हम ये पंखे को भी लगा देते हैं। That's it. Wow. ये हमारा मेन बॉडी रेडी हो गया।
अब इस पे दूसरा वाला पार्ट लगाते हैं। वाओ, अब इसका बॉडी रेडी है। इसके डस्ट बैग के लिए मैं एक प्लास्टिक की बॉटल लगाऊंगा, जो फिलहाल तो मेरे डेन में नहीं है, तो मैं जल्दी से जाके प्लास्टिक बॉटल लेके आता हूँ। तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक। मुझे बॉटल मिल गई, पर बॉटल लगाने से पहले मैं आपको वैक्यूम क्लीनर्स की हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले 1860 में डैनियल हेस ने वैक्यूम क्लीनर का फर्स्ट मॉडल बनाया था। तब उसका नाम वैक्यूम क्लीनर भी नहीं था, उसे कारपेट क्लीनर कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ कारपेट्स को क्लीन करने के लिए बना था। उसके नीचे दो ब्रशेस थे और ऊपर बड़े बड़े बेलोस थे। बेलोस क्या होता है? हाँ, आपने ये पाइप देखा है, इससे पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकालते हैं, तो उसमें ये जो पार्ट होता है इसे बेलो कहते हैं। अगर इसे कंप्रेस करें और फिर छोड़ दें तो ये सारी हवा को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि नीचे थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सिंपल प्रिंसिपल। एक्चुअली हेयर ड्रायर का फर्स्ट मॉडल अलेक्जेंडर गॉटफ्रॉय ने 1890 में बनाया था। इसका इंस्पिरेशन एक वैक्यूम क्लीनर से आया था। उस टाइम के हेयर ड्रायर्स इतने छोटे और कॉम्पैक्ट नहीं थे, वो काफ़ी बड़े थे एंड उनमें एक हुड लगा रहता था। हुड के नीचे आप अपना सर रखते थे एंड फिर आपके बाल ड्राई होते थे। अब ये तो हो गई हिस्ट्री, हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और अपना वैक्यूम क्लीनर कंप्लीट करते हैं। अब इस बॉटल को यहाँ लगा लेते हैं एंड इसका सर्कम्फ्रेंस मार्क कर लेते हैं। ओके, अब इसे कटआउट करने के लिए हम इसके सर्कम्फ्रेंस के अलोंग छोटे छोटे होल्स करेंगे एंड होल्स के बीच में जो भी जगह बचेगी वो हम इस वायर सॉ से कट कर लेंगे। ओके, तो पहले होल्स बना लेते हैं। हम एक पतले ड्रिल बिट को यूज करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द होल। आपने नोटिस किया होगा कि मैं स्टार्टिंग में ड्रिल गन को थोड़ा स्लो चलाता हूँ। रीज़न ये है कि अगर पहले ही फास्ट चलाया तो ड्रिल बिट स्लिप हो जाएगा। वो ना हो इसलिए मैं थोड़ा धीरे से पहले एक छोटा सा ग्रूव बना लेता हूँ। वो ग्रूव जैसे ही बन जाता है फिर स्पीड से ड्रिल कर लेता हूँ। ओके, तो अब होल्स ड्रिल हो गए। अब इन्हें मैं वायर सॉ से काट लेता हूँ। ये कट के तैयार हो गया, सी, बट इसकी एज काफी क्रूकेड है, तो इसे मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। मेरे पास एक हाफ राउंड मेटल फाइल है। ये होता है हाफ राउंड मेटल फाइल। इसे हाफ राउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से फ्लैट होता है और नीचे से कर्व्ड होता है, तो कोई भी कर्व्ड सरफेस को अगर फाइल करना हो तो हम इसे यूज करते हैं। ओके, लगा के देखते हैं। नाइस, ये लग गया हमारा डस्ट बैग। अब इसमें से हवा निकलने के लिए एक जगह चाहिए। बॉटल की कैप में ऑलरेडी एक होल है, तो होल बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जिससे धूल वहीं पे रुक जाए लेकिन हवा निकल जाए। हाँ, क्लीनिंग के लिए एक स्क्रब आता है, आपने देखा होगा, इस टाइप का। इसे बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं। मैं इसी की वो फिल्म बना लेता हूँ। ओके, इसे हम ढक्कन के अंदर लगा देते हैं एंड ढक्कन प्रॉपरली फिट कर देते हैं। ये लगा दिया तो अब हवा आराम से बाहर निकल सकती है लेकिन धूल यहीं पर रह जाएगी। ओके, तो ये हमने डर्ट बैग फिक्स कर दिया। वाओ, एक्चुअली जब मैंने ये बेस लगाया था तब मुझे एक आइडिया आया था।
जैसे कि एक मच्छर हमारे बॉडी से खून चूसता है, उसी तरीके से हमारा वैक्यूम क्लीनर सारी डस्ट को सक कर लेगा। है ना कूल आइडिया। अब इसे विजुलाइज करते हैं। मस्कीटो की टेल रेडी है, हेड के लिए क्या ले सकते हैं, मेरे पास क्या हो सकता है? हाँ, मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉल है पुरानी सी, इसमें वो टॉफीज आती है ना, इसका हेड अनस्क्रू हो जाता है, ये फिट होगा क्या? ओके, हाँ ये इसका हेड लग गया। अब इसका माउथ बनाते हैं। माउथ के लिए एक फनल टाइप का शेप चाहिए। फनल किससे बनाऊं? मेरे पास टॉयज में कुछ है क्या? ये पुराना रैटल है, इसके आगे का फनल यूज कर सकता हूं। फनल निकाल लेता हूं। फनल को काटने के लिए इसे मैं वाइस पे माउंट कर देता हूं। ये आ गया। इसका ये मेटल पार्ट जरूरी नहीं है, ये निकाल देते हैं। मस्कीटोस का मुंह एक लंबे नीडल जैसा होता है, तो उसी तरीके से हम ये इसे आगे लगा देंगे। सिंस हवा को अंदर जाना है, हम इसी में एक छोटा सा होल बना देंगे। लेट्स सी, होल यहाँ कहीं बीच में होना चाहिए। होल बनाने के लिए हम इसमें पहले एक छोटा सा होल ड्रिल करेंगे ड्रिल गन से, एंड फिर वायर सॉ से होल कट आउट कर लेंगे। ये मैंने एक मार्क बना दिया है, अब इसमें होल कर लेते हैं। अब इसमें होल हो गया, अब वायर सॉ से इसे काट लेते हैं। ये होल कट हो गया, अब इसके आगे हम ये फनल लगा देंगे। फनल का भी होल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो नहीं, हाँ ओके, ये ड्रिल बिट ठीक है। ड्रिल बिट लगा दिया, इसमें भी आगे होल हो गया। अब इसे हम हेड पे चिपका देंगे। चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू यूज करूंगा, तो इसे प्लेस कर दिया यहां पे सुपर ग्लू से। ये हो गया हमारा हेड तैयार। अब इसे बॉडी पे लगा के देखते हैं। वाओ, अब ये एक्चुअली एक मस्कीटो का फॉर्म ले रहा है। इसके स्विचेस को भी कवर कर देते हैं। इसको कवर करने के लिए ये प्लास्टिक की बॉल को हाफ कट करके चिपका देता हूं। अब ये हाफ बॉल रेडी हो गया, इसे बेस पे लगा देते हैं लाइक दैट। अब वायर को साइड से निकालने के लिए एक छोटे से कट की जरूरत है। ओके, वायर यहां से निकाल लेते हैं। अब इस बॉल को मैं स्क्रूज से फिट कर देता हूं। दूसरा होल यहां पे, डन। पता है 1860s के बाद वैक्यूम क्लीनर के मॉडल्स में काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन फिर भी वो सारे मैनुअल थे। 1910 में जाके पहला इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर बना, एंड उसका वेट 17 किलो था। इमेजिन करिए, इतनी भारी मशीन से पूरा घर कैसे साफ होगा। फाइनली 1921 में जाके एक हैंडी और पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर का मॉडल बना। ओके, तो इसकी बॉडी अब बन रही है। नेक्स्ट एडिशन इसके पैर होंगे। पैर के लिए मेरे पास
हाँ ये है मेरे कंपस, अब इनके मैं पैर बनाऊंगा। पैर बनाने के लिए मैं कंपस को यहां पे ऐसे प्लेस कर दूंगा, तो एक पैर यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और सेम चीज ऑपोजिट साइड। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। एक पैर यहां आएगा, एक पैर बीच में और एक इस साइड। सेम तरीके से अब मैं दूसरे साइड भी मार्क करके होल्स बना लूंगा। अब इसमें होल ड्रिल करते हैं। ओके, अब कंपास को स्क्रू से फिक्स कर देता हूं। तब तक टेक अ क्विक ब्रेक। इसका लास्ट पैर फिक्स हो गया एंड वाओ। इसे कंप्लीट करने के लिए दो और चीजों की जरूरत है। पहला विंग्स, दूसरा इसकी आंखें। विंग्स के लिए मेरे पास जीआई वायर है। जीआई वायर का एक फ्रेम बना लेता हूं ऐसे। ओके, अब ये दोनों विंग्स रेडी हो गए। अब इनके एंड्स को जोड़ने के लिए इसे चिपका देते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा सा टेप लगा देता हूं। अब इससे ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। ओके, अब मैं इस फ्रेम पर एक नेट लगा देता हूं। मेरे पास मस्कीटो नेट का एक छोटा सा टुकड़ा रखा है ये, एंड मैं इसी को फ्रेम पे लगा देता हूं। अब इस पे सुपर ग्लू का एक एक ड्रॉप लगा देता हूं, एंड सेम ड्रॉप पूरे फ्रेम पे ट्रिकल डाउन हो जाएगा। ओके, अब इसे चिपका देते हैं। ये चिपक गया। अब एक्स्ट्रा पार्ट को काट देता हूं। ये फर्स्ट विंग रेडी हो गया। सेम तरीके से एक और बना लेता हूं। अब हमारे दोनों विंग्स रेडी हैं, अब इन्हें लगा देते हैं यहाँ पे। इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर देते हैं। सेकंड विंग भी चिपक गया। ओके, लास्ट स्टेप, इसकी आंखें बची हैं। आंखों के लिए मेरे पास ये रहे, इसकी दो क्यूट सी आंखें बना सकते हैं। अब इसको फिक्स करने के लिए सुपर ग्लू का एक एक ड्रॉप। हो गया। चिपक गए। अब बस एक और काम करना बाकी है। एंड इट्स डन। ये हो गया हमारा मस्कीटो वैक्यूम क्लीनर रेडी। टेस्ट करें। ओके, इसका प्लग लगा देते हैं। ओके, वाओ, परफेक्ट।
देख रहे हैं इसमें कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। आई थिंक दिस इज वर्किंग रियली वेल।